काशी, बात को समझो। दुश्मन पेड़ों में छुपे हुए हैं। कब कहां से वार करेंगे कुछ पता नहीं। तुम जाओ, उस कुटिया में सुरक्षित रहोगी और हम भी निश्चिंत होकर इनसे सामना कर पाएंगे। सुनो, तुम लोग काशी को सुरक्षा दो। मैं देखता हूं कि ये तीर आ कहां से रहे। काशी, तुम यहाँ क्यों आ गई फिर से? अब उनका सामना कीजिए, हम आपके साथ हैं। छोड़ के जाने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए। अब तो हमें डर भी नहीं लग रहा, क्योंकि बैरी बाजी का हीरो हमने पहली बार देखा कि खुद मौत के बीच खड़े होकर दूसरों की जिंदगी बचाने की बात करते हैं। और यही हमारा दोस्त है, और इस दोस्त के लिए कशबे कुछ भी करेगी। तुम हमारी जिम्मेदारी हो, और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो चास कमान के लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? ये काशीबाई ना चास की है, ना सासवड़ की, क्योंकि चास ने तो विदा कर दिया और सासवड़ को तो अभी तक अपनाया नहीं। अगर ये काशीबाई किसी को जानती है, वो है हमारा दोस्त बैरी बाजी। ऐसे दोस्त के लिए मर भी जा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई दुख भी नहीं। तुम यही रुको, Yeah!
चाहिए चाहिए। काशी क्या हुआ? काशी काशी क्या हुआ? क्या हुआ काशी? हाँ काशी क्या हुआ? काशी उस पल हमें ऐसा लगा कि हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया और हम उस घर से बहुत डर गए थे क्योंकि हम आपको नहीं खोना चाहते, कभी भी नहीं खोना चाहते। काशी हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं। अब रोना बंद करो, रोना बंद करो। लेकिन बैरी बाजी कितने लोगों के जाने गए, हमारे जो रक्षक थे उनके भी और जो हमलावर थे उनके भी, मेरे युद्ध से मिला भी तो क्या? युद्ध करने से क्या मिला ये तो मैं भी नहीं बता सकता काशी, अगर ये बता सकता हूं कि आज इस युद्ध में मुझे एक दोस्त मिली, एक ऐसी दोस्त जिसके साथ जीवन भर रहना चाहता हूं। वैसे तो हमें भी बहुत कुछ मिला है, अपनी जान से भी बढ़कर हमारी फिक्र करने वाला हमारा दोस्त जिसके साथ हम जन्म जन्म रहना पसंद करेंगे। मैं जानता हूँ काशी कि तुम्हें ये तलवार, ये युद्ध, ये सब चीजें नहीं पसंद, और ना ही मैं कह रहा हूं कि तुम इन सब चीजों को पसंद करो, क्योंकि किसी की पसंद को बदलना दोस्ती नहीं बल्कि एक दूसरे की पसंद का सम्मान करना दोस्ती है। तुम सम्मान करते हैं आज से, अभी से आपके युद्ध का, आपके युद्ध कौशल का, क्योंकि आज हमने जान लिया कि तलवार सिर्फ जान लेती नहीं बल्कि जान बचाती भी है। काशी आज की ये विजय सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की। छोटे सरकार, बड़े सरकार ने भी दुश्मनों को मार भगाया है और संदेशा भिजवाया है कि आप छोटी मालकिन के साथ सासवड़वाड़ा चले जाइए, वो आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है,
अब चले। कृष्णराव तुम ऐसे मत रो, लड्डू आ जाएगी। कैसे ना रो गंगा, बहुत डर लग रहा है। तू डर संभालना सीख लीजिए। योद्धाओं के घर में हो तुम, थोड़ी सी हिम्मत रखो। दिया जलाकर उसके सामने बैठकर रोना शुभ नहीं होता। अनु भाई, कृष्णराव सबसे ज्यादा प्यार करते हैं लाडू से। चिंता हो रही है ना उन्हें? चिंता होती तो काशी के साथ युद्ध में जाकर उनकी रक्षा करते, यहाँ बैठकर रोने से क्या फायदा। अगर मुझे पहले पता होता कि महारजी काका के बड़े भाव को कुछ लोगों ने तलवार से मार डाला और वो लोग बदला लेने के बजाय साहूकार बन गए, तो मैं कभी नहीं चाहती कि हमारे भाव का विवाह काशी के साथ हो। अनु भाई, मैं रो रहा हूँ, उसको मतलब ये नहीं कि मुझ में हिम्मत नहीं है। भले ही तुम्हारे भाव की तरह मैं बहादुर नहीं हूँ, लेकिन डरपोक भी नहीं हूँ। अगर होता तो जीजाजी और लाडू के विवाह के विपक्ष में होता, पक्ष में नहीं। समय आने पर ये कृष्णराव तलवार भी उठा सकता है, जीजा जी और लाडू के लिए युद्ध भी कर सकता है। बधाई हो अंबुज, जीत गए हम। काशी को भी बधाई दो। आओ, तुम्हारे हाथ मुंह धुला दो। मुझे नहीं पता था काशी, हवा की चाबी तुम्हारे बालों में है। मतलब? मतलब ये कि देखो ना, जैसे ही मैंने तुम्हारे बाल बांधे, हवा भी रुक गई। हवा भी सोच रही होगी कि कल तक जो हाथ हमारे घाघर तोड़ते थे, वही हाथ हमारे बाल सवार कर बांध रहे, इसलिए इन हाथों के सम्मान में रुक जाओ। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा। अच्छा काशी, मुझसे एक वादा करोगी? क्या? फिर से कभी मेरे साथ युद्ध पर मत आना।
बाबा कहते हैं कि एक योद्धा वो होता है जो युद्ध में किसी भी चीज के खोने का डर ना रखे। लेकिन आज मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। इसलिए काशी, फिर से मेरे साथ युद्ध पर कभी मत आना। हाँ, तुम मेरे लिए सलामती का दिया जरूर जला सकती हो। आई और तुम मिलकर जब मेरे लिए सलामती का दिया जलाओगी तो मैं दुगनी ताकत से लड़ पाऊंगा और हर युद्ध जीत पाऊंगा। वादा करो काशी। वादा करो काशी। अब योद्धा लोग कितने मतलबी होते हैं ना। हमसे वादा लेकर आप अपना डर तो दूर कर लेंगे, लेकिन दिया जलाए इंतजार करते हुए इस काशीबाई के डर का क्या? नहीं कर सकते हमें ऐसा कोई वादा। और जब भी हमें लगेगा कि हमें हमारे दोस्त के साथ होना चाहिए तो युद्ध ही क्या, हर कदम अपने दोस्त के साथ रहेगी ये काशीबाई। चले बैरी बाजी, आप पीछे बैठिए, हम घुड़ सवारी करेंगे। तुम घुड़ सवारी करोगी? आपको क्या लगता है कि हमें आपके एक भी काम नहीं आते? राम भाव ने हमें घुड़सवारी सिखाई है। अच्छा, विश्वास रखिए, हम आपको नहीं गिराएंगे, बस घोड़े पे चढ़ने में थोड़ी मदद कर दीजिएगा। ठीक है। बैरी बाजी, डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर एक बात बताओ, तुम मुझे बैरी बाजी कब तक कहोगी?